दोस्तों, हमारा सौरमंडल का हर एक ग्रह एक दूसरे से बहुत अलग है। कोई ग्रह बहुत ज्यादा खूबसूरत है तो कोई ग्रह बहुत ज्यादा खतरनाक। लेकिन इन सभी ग्रहों में से सबसे खतरनाक ग्रह हमारा पड़ोसी यानी शुक्र ग्रह को माना जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये ग्रह इतना ज्यादा खतरनाक है कि वैज्ञानिक इसे नरक का ग्रह कहकर भी बुलाते हैं। वैसे तो शुक्र ग्रह को पृथ्वी का भाई कहा जाता है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ इन दोनों के एक जैसे साइज के होने की वजह से है। अगर हम पृथ्वी और शुक्र ग्रह के वातावरण को आपस में कंपेयर करें तो ये कहीं से भी मेल नहीं खाते हैं। पृथ्वी पर एक इंसान की एवरेज जिंदगी 80 साल तक की होती है, लेकिन क्या हो अगर कोई इंसान शुक्र ग्रह पर चले जाए? ऐसा करना असलियत में पॉसिबल नहीं है, लेकिन साइंस की मदद से हम ऐसा इमेजिन जरूर कर सकते हैं। इसके जरिए हम शुक्र ग्रह के वातावरण और उसके हमारे शरीर पर होने वाले असर को बहुत अच्छे से जान पाएंगे। आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए इसे एंड तक जरूर देखिएगा। तो बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त सुरेश संचोरी और आप देख रहे हैं रहस्य टेलीविजन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, शुक्र ग्रह सौरमंडल का दूसरा ग्रह है और ये मरकरी ग्रह के बाद और पृथ्वी ग्रह से पहले मौजूद है। इसका साइज बिल्कुल हमारी पृथ्वी के जैसा ही है, जिस वजह से इसका गुरुत्वाकर्षण भी लगभग हमारी पृथ्वी के बराबर ही है। यानी अगर आप शुक्र ग्रह की सतह पर एक छलांग लगाएंगे तो आपको ग्रेविटेशनल फोर्स में कोई भी डिफरेंस नहीं महसूस होगा। शुक्र ग्रह हमारी पृथ्वी से सबसे नजदीक मौजूद ग्रह है, लेकिन ऐसा होने के बावजूद इन दोनों ग्रहों के बीच की दूरी 4 करोड़ किलोमीटर है। अगर आप एक अंतरिक्ष यान में सवार होकर शुक्र ग्रह तक जाने की कोशिश करते हैं तो आपको ऐसा करने में करीब 4 महीनों का समय लगेगा। वैज्ञानिक शुक्र ग्रह के बारे में जानने के लिए कई सारे स्पेसक्राफ्ट इस तक सेंड कर चुके हैं। इनमें से ज्यादातर मिशन ऑर्बिटल मिशन रहे हैं, यानी ऐसे स्पेसक्राफ्ट जो शुक्र ग्रह के अंदर ना जाकर उससे बाहर से ही चक्कर लगाते रहते हैं। इसके अलावा वैज्ञानिक शुक्र ग्रह पर फ्लाई बाय मिशन को भी भेज चुके हैं। ये ऐसे मिशन होते हैं जिनका मुख्य टारगेट कोई दूसरा स्पेस ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन ये रास्ते में पड़ने वाली हर चीज को स्टडी करते हुए चलते हैं। ऐसे मिशन के जरिए भी वैज्ञानिकों ने शुक्र ग्रह के बारे में काफी सारी जानकारी हासिल की है। अंत में आते हैं लैंडिंग मिशन, यानी शुक्र ग्रह के वातावरण में घुसना और उसकी सतह पर लैंड करना। आपको जानकर हैरानी होगी कि वैज्ञानिक ऐसा कई बार सक्सेसफुली कर चुके हैं, लेकिन शुक्र ग्रह के वातावरण में टिके रहना एक बहुत ही मुश्किल बात है। जब भी वैज्ञानिकों ने शुक्र ग्रह के वातावरण में ठहरने की कोशिश की है, तब तक उन्हें असफलता ही हासिल हुई है। स्पेसक्राफ्ट सतह पर लैंड तो सही तरीके से हो जाते हैं, लेकिन वीनस का वातावरण उनको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। दोस्तों, आज तक शुक्र ग्रह के वातावरण में सबसे लंबे समय तक ठहरने वाला स्पेसक्राफ्ट मात्र 2 घंटे के लिए फंक्शन कर पाया था। मैं जानता हूँ ये सुनने में अविश्वसनीय लग सकता है, लेकिन ये पूरी तरीके से सच है। मान लेते हैं आप अपने यान में सवार होकर 4 महीने का समय बिताने के बाद और 4 करोड़ किलोमीटर की दूरी को कवर करने के बाद शुक्र ग्रह तक पहुँचते हैं। आप जैसे ही धीरे धीरे इसके अंदर जाना शुरू करते हैं और आपको अब शुक्र ग्रह के वायुमंडल में मौजूद बादल दिखाई देने लगते हैं। वे बादल पीले कलर के होंगे और इनकी वजह से आप ज्यादा दूर तक देख नहीं पाएंगे। शुक्र ग्रह पर मौजूद बादल बहुत ही घने होते हैं और ये मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बने होते हैं। अगर आपको ये डरावना नहीं लगा है तो बता दूं कि इस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ सल्फ्यूरिक एसिड से बने हुए बादल भी शुक्र ग्रह के वायुमंडल में घुमा करते हैं। अगर आप वहां जाने के बाद अपने हेलमेट को उतार कर एक सांस भरेंगे तो आपको ऐसी महक आएगी जैसे आप सड़े हुए अंडों के बीच में मौजूद है। ऐसा मेरा नहीं बल्कि साइंटिस्टों का कहना है। अब शायद आपके दिमाग में ये सवाल आ सकता है कि वैज्ञानिकों को शुक्र ग्रह के वातावरण की महक के बारे में कैसे पता चला। इसका जवाब बहुत ही सिंपल है। वैज्ञानिक कई सालों से इस ग्रह की केमिस्ट्री को पढ़ रहे हैं और इसके वातावरण में मौजूद एलिमेंट्स और कंपाउंड्स को मिलाने के बाद जो महक प्रोड्यूस होती है वह सड़े हुए अंडों की महक से मेल खाती है। शुक्र ग्रह की सतह से करीब 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर आपको चारों तरफ बादल ही बादल दिखाई देंगे। आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आप घने कोहरे में खड़े हुए हैं, लेकिन ये कोहरा आपको ठंडी की नहीं बल्कि गर्मी की याद दिलाएगा, क्योंकि शुक्र ग्रह का तापमान पूरे सौरमंडल के किसी भी ग्रह से कई गुना ज्यादा है। जहां हमारी पृथ्वी का एवरेज तापमान 20 डिग्री सेल्सियस है, वहीं शुक्र ग्रह का एवरेज तापमान 450 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। वैज्ञानिक बताते हैं कि ये एवरेज तापमान कई बार 475 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच जाता है, जो एक बहुत ही डरावनी बात है। ये तापमान इतना ज्यादा है कि आप किसी भी तरीके से इसे 1 सेकंड के लिए भी नहीं झेल सकते हैं। लेकिन हम मान लेते हैं कि आप वीनस पर एक बहुत ही अच्छा स्पेस सूट पहनकर गए हैं, जो आपको यहाँ के हाई तापमान और टॉक्सिक वातावरण से बचा कर रखेगा। जैसे जैसे आप अपने अंतरिक्ष यान को नीचे लाना शुरू करेंगे,
वैसे वैसे आपको शुक्र ग्रह की सतह क्लियर रूप से दिखने लगेगी। 15 किलोमीटर नीचे आने के बाद आपको शुक्र ग्रह पर मौजूद पहाड़ क्लियर रूप से दिखाई देने लगेंगे, जिसमें से ज्यादातर पहाड़ असल में ज्वालामुखी होंगे। शुक्र ग्रह पर बहुत सारे ज्वालामुखी मौजूद है, जो इसके वातावरण में मौजूद टॉक्सिक गैसेज का एक प्रमुख कारण है। सतह पर लैंड करने के बाद आप जैसे ही अपने स्पेसक्राफ्ट से बाहर निकलेंगे, आपको अपने सिर पर एक भीषण दबाव महसूस होगा। अभी तक आप अपने यान के अंदर थे, जो शुक्र ग्रह के एटमॉस्फेरिक प्रेशर को फील नहीं होने दे रहा था, लेकिन जैसे ही आप उससे बाहर निकलेंगे, आपको शुक्र ग्रह की हवा का दबाव फील होने लगेगा। जब आप आसमान में देखेंगे तो आपको दिन तो दिखाई देगा, लेकिन दिन करने वाला ऑब्जेक्ट यानी सूरज आपको कभी भी नजर नहीं आएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि शुक्र ग्रह वायुमंडल बहुत घना है और सनलाइट का सरफेस तक पहुंचना यहाँ एक इम्पॉसिबल बात है। वैज्ञानिक बताते हैं कि सूर्य की रोशनी की मात्रा केवल 10% ही शुक्र ग्रह की सतह तक पहुंच पाती है। 1981 में रूस की स्पेस एजेंसी ने वेनेरा 13 नाम का एक स्पेसक्राफ्ट शुक्र ग्रह की सतह पर भेजा था। ये वीनस पर भेजे जाने वाले स्पेसक्राफ्ट की सीरीज का 13वां स्पेसक्राफ्ट था। ये शुक्र ग्रह की जमीन पर सक्सेसफुली लैंड होने के बाद ये स्पेसक्राफ्ट करीब 127 मिनट तक सही तरीके से फंक्शन करता है, लेकिन इसके बाद शुक्र ग्रह का वातावरण इसे तबाह कर देता है। ये शुक्र ग्रह पर सबसे लंबे समय तक सर्वाइव करने वाला स्पेसक्राफ्ट है और इसका रिकॉर्ड को आज भी कोई दूसरा स्पेसक्राफ्ट नहीं तोड़ पाया है। वीनस का गुरुत्वाकर्षण बल भले ही हमारी पृथ्वी के जैसा हो, लेकिन फिर भी आपको इसकी सतह पर चलने में एक अजीब सा भार महसूस होगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे आप जमीन के अंदर चल रहे हैं और आपके आसपास बहुत सारे पार्टिकल्स मौजूद है। ऐसा असल में शुक्र ग्रह की घनी हवा की वजह से होगा। आपके आसपास मौजूद ये हवा आपको ऐसा महसूस करवाएगी जैसे आप किसी बहुत ही डेंस वातावरण में चल रहे हैं। जब आप अपने हाथ को ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आपके हाथ पर किसी ने बहुत ज्यादा वजन को रख दिया है। आपका स्पेस सूट आपको इस एक्सट्रीम वातावरण से बचाकर रखेगा, लेकिन ऐसा लंबे समय तक नहीं चल पाएगा। कुछ घंटों के बाद आपका एडवांस स्पेस सूट चिटकने लगेगा और खराब होने लगेगा। धीरे धीरे आपका शरीर शुक्र ग्रह के वातावरण के संपर्क में आने लगेगा। यहीं पर चीजें आपके लिए नर्क जैसी लगने लगेगी। 475 डिग्री सेल्सियस के तापमान में आपका शरीर खत्म हो जाएगा। आपके शरीर के ज्यादातर हिस्से पिघल जाएंगे या पूरी तरीके से राख बन जाएंगे। शुक्र ग्रह का एटमॉस्फेरिक प्रेशर पृथ्वी के मुकाबले 90 गुना ज्यादा है, यानी आपको इतने ज्यादा प्रेशर का भी सामना करना पड़ेगा। ये प्रेशर आपकी स्किन और शरीर को अंदर की ओर धक्का देगा, जिससे आपको ऐसा फील होगा जैसे आप किसी बहुत विशाल चीज के नीचे दबे हुए हैं। ये सब होने की वजह से आप शायद ही शुक्र ग्रह पर एक सेकंड भी जिंदा रह पाएंगे। अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो आपको शुक्र ग्रह पर एसिड की बारिश देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि दोस्तों जिस तरह से हमारी पृथ्वी पर पानी की बारिश होती है, वैसे ही शुक्र ग्रह पर सल्फ्यूरिक एसिड की वर्षा होती है। इस एसिड को एसिड का राजा भी कहा जाता है, और अगर इसकी एक बूंद आपके शरीर पर पड़ जाए तो वह वहीं से गलने लगेगा। चौंकाने वाली बात यह है कि वीनस के एक्सट्रीम वातावरण की वजह से ये वर्षा की बूंदें कभी सतह तक नहीं पहुंच पाती है, आधे रास्ते में ही इवोपरेट होकर खत्म हो जाती है। लेकिन अगर ये किसी तरीके से जमीन तक पहुंचने लगी तो आपका शरीर किसी भी तरीके से नहीं बच पाएगा। कुछ ही घंटों में शुक्र ग्रह से आपका नामो निशान मिट जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कभी कोई इंसान वहां पर गया था। ये सब सुनने में जितना खतरनाक लगता है, असल में ये उससे भी ज्यादा खतरनाक होगा। हम में से कोई भी इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकता है कि आखिर 475 डिग्री सेल्सियस तापमान वाले वातावरण में रहना कैसा होगा। हमें इस बात का अंदाजा जरूर है कि ज्यादा प्रेशर की वजह से डिजास्टर का कारण बन सकता है। जून में होने वाला टाइटन सबमरीन डिजास्टर ज्यादा प्रेशर होने की वजह से ही हुआ था। पानी के नीचे जाने के बाद उस सबमरीन पर इतना ज्यादा प्रेशर बढ़ गया था कि वह इम्प्लोड हो गई और उसके अंदर बैठे यात्रियों की दर्द महसूस करने से पहले ही मृत्यु हो गई। कुछ ऐसा ही इंसानी शरीर के साथ शुक्र ग्रह के वातावरण में भी होगा। लेकिन फिर भी अगर आपकी शुक्र ग्रह की एक सेफ यात्रा करने का मौका दिया जाए तो क्या आप इस रिस्क को लेना पसंद करेंगे? हमें नीचे कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।